यहाँ पे कैश में मैंने आगे के डाला हुआ है, तो ये आप जानते हैं सब लोग, क्योंकि पता है के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एच फॉर स्किल और एच फॉर हैबिट। तो ये चार बातें मैंने मेरे लाइफ में बहुत एकदम पूरी तरह से मैंने उसको निचोड़ के लिया। मेरी हैबिट ऐसी बनाई मैंने जो सक्सेसफुल लोगों की होती है, मेरा एटीट्यूड मैंने ऐसे बनाया कि जो सक्सेसफुल लोगों के होते हैं। मैंने मेरे स्किल्स पे काम किया, जो स्किल्स मुझे पैसे कमा के देंगे, जो स्किल्स मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए फायदेमंद होगी, और मेरे नॉलेज को मैंने बढ़ाया। तो जब मेरे करियर का ग्राफ अगर आप मैं देखता हूँ, तो शुरू में जब मेरे मतलब 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र थी, तो ग्राफ एकदम स्लो स्लो जा रहा था। लेकिन मैंने 25-30 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया बहुत से ट्रेनर का, मतलब करीब करीब मैं अभी तक 25-1 लाख रुपया लोगों के लैंग्वेज में खर्च किए और मेरे लैंग्वेज में मैंने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे कितना? 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो मैंने इन्वेस्ट करने की वजह से मैं बहुत सी बातें सीखा हूँ, फिर मेरा वो करियर का जो ग्राफ पहले धीरे धीरे जा रहा था, डायरेक्ट ऐसे हो गया। तो मुझे पता चला कि पैसे कैसे कमाए, पता चला कि पीपल स्किल क्या होती है, मुझे पता चला लीडरशिप क्या होती है, मुझे पता चला कि संस्था कैसी बड़ी होती है, मुझे पता चला कि लोगों को उसे काम कैसे करवाना होता है। तो आज मेरा रिसोर्ट है, 25 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, भाषण कर रहा हूँ, रिसोर्ट चल रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होता है, कितने लोग पैसिव इनकम को जानते हैं? ओके, कितने लोगों के पास पैसिव इनकम है? ओके, बाकी लोग के पास पैसिव इनकम कहा है? शेयर्स। अच्छा, रेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो पैसिव इनकम कितने टाइप की होती है मैं बताऊंगा आपको वहां पर, और वो मैंने पैसिव इनकम से इनकम किया है मैंने।